धन्यवाद यहाँ में हम लोगों को थोड़ा टाइम देने के लिए, एटलीस्ट आप लोगों से थोड़ा उनसे भी हम लोग का लड़की लोग कुछ सीख पाया है आई होप। और जुना रिवा एज ऑलवेज हमेशा थैंक यू अपने हृदय आम सपोर्ट कर दिनों तुम लोग को तो मैं हिंदी में बोलना पड़ेगा नहीं तो समझेगा नहीं। आज वुमेन्स डे है तो वुमेन पावर, हम लोग सब पावरफुल है, वी ऑल नो है ना, हम लोग पावरफुल है। और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है हम लोग का, नशा एडिक्शन, वो छोड़ के तो हम लोग का पास तो टैलेंट का तो कमी नहीं है। वी आर वेरी टैलेंटेड, वी ऑल नो राइट, हम लोग टैलेंटेड है, बस एक ही चीज में हम लोग डूब जा रहा है एंड दैट इज नशा एडिक्शन। उसको बस हटाना है लाइफ से एंड आगे निकलना है, अगर उसको पकड़ के रखेगा देन कभी निकल नहीं पाएगा। जैसे मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू है कि नहीं, उस चीज को हटाना है जिससे भी ओके। हम लोग का प्रोग्राम है, हम लोग जो प्रोग्राम से फॉलो करता है वो सब फॉलो करके हम लोग को निकलना है। जो मैं हमेशा बोलती आई हूँ वो नशा को हटा देने से आवर लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। और ये मतलब नशा छोड़ के भी एक जिंदगी होता है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, जहाँ में बहुत शांति है। हम लोग का एडिक्ट का लाइफ में ड्यूरिंग आवर यूजिंग हम लोग के पास शांति नहीं होता है, पीस नहीं होता है राइट, लैक ऑफ पीस। हम लोग का जिंदगी में शांति नहीं होता है, रात का नींद नहीं होता है, हम लोग ना सो सकता है ना खा पाता है ना किसी के साथ दो बात करने लायक रहता है ना हम किसी का बात सुनने का लायक में रहता है। हम लोग जंगली जानवर बन जाता है और वो ऊपर से हेल्थ खराब करके, तो हम लोग का जिंदगी में वो शांति चला जाता है। लेकिन ट्रस्ट मी रिकवरी में बिना नशा का जिंदगी में एक इतना सुंदर सा एक लाइफ है ना जो बहुत शांति है। आज का दिन में मैं जब मॉर्निंग उठती हूँ बिस्तर से मैं कोई भी टेंशन लेके मुझे उठना नहीं पड़ता है कि आज का नशा में कहाँ से कलेक्ट करूंगी, कहाँ से पैसा मैनेज करूंगी, कहाँ से क्या करूंगी, किसको टोपी पहनाऊंगी, माँ को या बाप को या किसको, ये सब झमेला है ही नहीं। मम्मी रो रहा है, भैया गुस्सा है, पापा टेंशन में है मुझे लेके, ये सब दिन पार करके आया हूँ ना, आज का दिन में मेरा सब शांति है। क्यों? एक ही चीज के लिए, वो नशा को मैंने छोड़ दिया, लाइफ अपने आप मेरा सेट हो गया। और तुम लोग जैसे अभी बोला, बहुत लोग कोई कोई लोग मुझे जैसे बोला थैंक्स दिया मुझे, एक्चुअली मुझे भी तुम लोग को थैंक्स देना है। मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ तुम लोग के लिए, तुम लोग सफरिंग एडिक्ट जो यहाँ में नया नया आते हो, तुम लोग के लिए भी मेरा बहुत दिल से शुक्रिया है, क्योंकि तुम लोग मेरा मोटिवेशन हो। तुम लोग को मोटिवेशन मुझसे मिलता है ना क्योंकि मैं रिकवरी में हूँ, और तुम लोग का पेन, तुम लोग का सफरिंग, तुम लोग का सिचुएशन को देख के मुझे मेरा पिछला वाला जिंदगी याद आता है। जो अगर मैं कहीं भूल भी जाऊँ ना तो तुम लोग का शक्ल देख के मुझे वो पहला वाला दिन याद आ जाता है, तो मैं और भी मोटिवेटेड हो जाती हूँ। और तुम लोग को जब तुम लोग मेरा साथ, जैसे तुम लोग मुझे अप्रोच करते हो ना मैम मैम मैम, ऑटोमेटिकली मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली बन जाता है, मेरा कंधा भारी हो जाता है ऑटोमेटिकली। पता नहीं, आई फील सो लाइक नो लाइक बहुत भारी एक थू कुछ है मेरा ऊपर, लाइक इतना सारा लड़की जो मेरा ऊपर होप करके यहाँ में बैठ रहा है मुझे मैम मैम बोल रही है, तो ये लोग के लिए तो सबसे पहले तो मैं खुद ठीक होना पड़ेगा। मुझे हमेशा से लाइक सही रास्ता में मुझे रहना पड़ेगा, तभी ना जाके मैं तुम लोगों को सही रास्ता दिखा पाऊंगी। आज अगर मैं कुछ गलती करूंगी, मैं नेगेटिव रास्ता पकड़ूंगी तो तुम लोग तो नेगेटिव ही सीखेगा, तो दुनिया भी मुझे ही ब्लेम करेगा ना कि तुम सिखा क्या रहा है। तो मुझे ऑनेस्टी से काम करने का वो हिम्मत मिलता है तुम लोगों से, तुम लोगों के वजह से मैं आज क्लीन हूँ। सच बात बोलूं तो मैं भी आज रिकवरी में हूँ, क्योंकि वो मोटिवेशन वो स्ट्रेंथ मुझे तुम लोगों से आता है, नहीं तो कभी मैं भी रिलैप्स हो सकती थी। मैं मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है डिस्टर्बेंस आने से चला जाऊँ क्या पुराना जिंदगी में, लेकिन तब तुम्हारा तुम लोगों का शक्ल मेरा सामने आ जाता है ना तो मैं ऑटोमेटिकली आई गेट द बूस्ट एनर्जी। नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ पिछले जिंदगी में, मुझे और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये नया नया जो यंग जनरेशन है, जो मेरा छोटा छोटा मेरा बहन जैसा मेरा लाइक नो यू आर माय यंगर सिस्टर लाइक, ये लोगों को तो मुझे आगे लेके जाना है। सो यू आर माय मोटिवेशन, तुम लोग को देख के मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। सो आई एम ग्रेटफुल टू यू गाइज। और तुम लोग हमेशा स्माइल, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को स्माइल चाहिए, खुश रहना है, और हम लोग को नशा से फाइट करना है, नशा से निकलना है और लाइफ को आगे बढ़ा के लेके जाना है। ऑल आर टैलेंटेड, कोई भी यहाँ में दम कोई भी नहीं है, हम लोग सब टैलेंटेड है। और बाहर का दुनिया जो भी बोले, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। हम लोग का फोकस है खुद को, हम लोग प्रूफ करेगा कि वी कैन डू समथिंग। ये जिंदगी मिला है ना तो कुछ करके ही मरेगा, विल डू समथिंग, कुछ करेगा एटलीस्ट।
पेरेंट्स को भी थोड़ा स्माइल दिलाएगा ना, है ना। से नो टू ड्रग्स।